तो 10 ऑसिलेशन का टाइम लिखा हुआ है, 1 ऑसिलेशन करना है, तो इतना डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया 29.9 बाय 10 दैट इज 2.99 3.04 3.01। अब मीन वैल्यू तीनों को जोड़ करके लिख लिया जाए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2.99 प्लस 3.04 प्लस 3.01 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, ये 1 यहां दे दिए 3 बन गया, तो 3.09.04 अपॉन 3 कितना हो गया 3.01 और 1 आया फिर 10 आएगा 3 आएगा, तो लगभग वैल्यूज कितनी आ गई, लगभग वैल्यू कितनी आ गई 3.01। अब इसमें चलिए सेम काम, 10 ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय जब सॉलिड अंदर था तो आपने पाया है इसमें जब डिवाइड किया तो 2.20 2.19 2.20 एवरेज देख सकते हैं 2.20 का आपको मिल चुका है। इस तरह से आपने T1 और T2 का डेटा निकाल लिया। फार्मूले पर आ जाइए, 2πL, ये 2π कांस्टेंट है, L स्मॉल L की वैल्यू आप देखते हैं अदर मेजरमेंट्स में C में पतला ही नंबर है, M2 की वैल्यू देख सकते हैं वहां लिखी हुई है, M1 की वैल्यू लिखी हुई है, कैपिटल L की वैल्यू लिखी हुई है, R की वैल्यू टेबल नंबर बी में देखें लिखी हुई है, T1 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है टेबल नंबर 1 में और T2 की वैल्यू भी आ चुकी है। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, लॉग लीजिए, मतलब लॉगरिथमिक मेथड से आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि आपका क्या ईटा की वैल्यू आ रही, क्लियर है। तो कैलकुलेशन का पार्ट तो आप ये जिम्मे रहा कि आप आराम से अपने इस डेटा को लेंगे और कैलकुलेशन को करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या है वैल्यू। हाँ, इसके बाद जरूर एक बात याद होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल एरर के लिए आगे बढ़ना है, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर के लिए फार्मूला जो सामने है उसका आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्लियर है। लॉग लेकर के क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं जिस सेटअप से कैलकुलेट किए हैं, तो जो न्यूमरेटर जाएगा वहां उस सेटअप का लिस्ट काउंट और बटे वो वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू आपको सीधे दी जा रही है, जैसे हम आपको M की वैल्यू सीधे दिए हैं, M1 M2 दोनों की वैल्यू सीधे दिया है, तो आपको यहाँ कोई भी आपके तरफ से एरर नहीं है, क्लियर बात। तो आप वहां पर जो इसका डिफरेंशिएशन है वो क्या मान के चलेंगे, जीरो मान करके चलेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर है। तो आई होप कि अब आप इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर ले जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।